रनिंग करने के लिए सबसे पहले www.youtube.com पर जाएं, और youtube.com पर हम आ चुके हैं और यहाँ राइट साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जीमेल का ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। तो चलिए, मेरा ऑलरेडी पहले से एक जीमेल का अकाउंट है तो मैं साइन इन करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ तो पासवर्ड मांग रहा है। चलिए फिर पासवर्ड दे लेता हूँ और साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड में एक आप अपलोड का ऑप्शन देख रहे हैं, यानी कि जिस वीडियो से हम अर्निंग करना चाह रहे हैं वो वीडियो हमें अपलोड करना होगा और उसी वीडियो के जरिए हम पैसे कमाएंगे अपलोड करके। तो चलिए अपलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे नाम देने को बोल रहा है, यानी कि आपका चैनल का नाम क्या होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि YouTube पर पैसे कमाने से पहले आप सोच कर अपने चैनल का नाम डिसाइड कर ले एक बार। आपका चैनल नेम यूनिक होना चाहिए और देखने में और सुनने में अच्छा लगना चाहिए। तो चलिए क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे यही नाम चाहिए। क्रिएट चैनल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा एक यूट्यूब का चैनल बन चुका है। यहाँ सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, जिस वीडियो के जरिए मैं पैसे कमाना चाहता हूँ वो वीडियो को अपलोड करने को बोल रहा है। चलिए इस पे क्लिक करके जो रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है एक वीडियो सिलेक्ट करता हूँ जो मैंने पहले से यहाँ पे तैयार करके रखा है। ये रहा वो वीडियो, मैं इसको अपलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे इस वीडियो का टाइटल है फनी वीडियो स्टार्ट्स। हमारा वीडियो कम्प्लीटली यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, तो हमें यहाँ से इस वीडियो को पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर देना होगा पब्लिकली। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब ये पब्लिक के लिए यूट्यूब पे लाइव हो चुका है। चलिए ये लाइव हो चुका है तो अब हम यहाँ ऊपर जो आइकन यहाँ दिख रहा है इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ क्रिएट स्टूडियो का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो दिखाई दे रहा है, लेकिन और अच्छे तरीके से पूरा फुल दिखाई दे इसके लिए हम वीडियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड पूरा तरीका से खुल जाता है। हमारे इस चैनल पे सिर्फ एक ही वीडियो है जो मैंने अभी अपलोड किया है। जितनी वीडियो अपलोड करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फिलहाल मेरे अकाउंट में एक ही वीडियो है तो ये एक ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए व्यूज 0 दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी अपलोड किया और इसे किसी ने नहीं देखा है, और यहाँ ग्लोब का निशान दिखाई दे रहा है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ देखिए चैनल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मोनेटाइजेशन है। मोनेटाइजेशन मतलब आप यूट्यूब का पार्टनर बनना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए, तो आपको ये जो है मोनेटाइज को एनेबल करना होगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबल का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जो ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है एनेबल माई अकाउंट, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं और ज्यादातर लोग पढ़ते भी नहीं है, तो इसीलिए ये तीन बॉक्स बना हुआ है, तीनों पे चेक लगा के यहाँ आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो एड्स में ओवरले इन वीडियो एड्स और स्किपेबल वीडियो एड्स, दो एड्स में खुद ब खुद चेक लगा हुआ है, जो जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए और मोनेटाइज कर दीजिए। मोनेटाइज के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक और नया पेज खुलता है जिसमें गॉट इट आया है, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप गॉट इट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक डॉलर का निशान बन गया है, पहले तो एक ग्लोब था जो पब्लिकली था, अब यहाँ पे देखिए मोनेटाइज हो चुका है और यहाँ डॉलर का निशान बना हुआ है ग्रीन कलर का। इसका मतलब कि आपका यह वीडियो अब पैसे कमाने के लायक हो गया है। जब भी ये ग्रीन कलर का निशान आपकी वीडियो में आ जाए तो आपको ये श्योर हो जाना चाहिए कि आप बिल्कुल सही हैं और आपका वीडियो बिल्कुल सही है और आप इनकम करने के लिए तैयार है। लेकिन इनकम करने के लिए तो तैयार है, अब आपको पैसा कैसे मिलेगा, पहला सवाल तो यही आता है। तो चलिए उसके लिए अभी आपका और काम बाकी है। फिर से लेफ्ट साइड में यहाँ चैनल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे वेरिफिकेशन करने को बोल रहा है, जो कि हम कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल पे मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉल के थ्रू नहीं करूंगा मैं, मैसेज वाला नीचे का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ फोन नंबर देता हूँ, आप कोई भी नंबर देके वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं अपना नंबर दे लेता हूँ।
और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देती है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रहा है इंटर योर 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड, जो कि मेरे मोबाइल पे आ चुका है। चलिए मैं उसको डाल देता हूँ और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन योर यूट्यूब अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड, और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया तो वहीं पे ये दिखा रहा है पार्टनर वेरीफाइड, अब आप सक्सेसफुली किसी भी वीडियो से पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोनेटाइजेशन तो हमने एनेबल कर दिया था, ये एनेबल है दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, व्यू मोनेटाइजेशन सेटिंग, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है हाउ विल आई बी पेड, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहा है पेमेंट्स आर मैनेज थ्रू ए गूगल एडसेंस अकाउंट, तो चलिए एसोसिएट एन अकाउंट एडसेंस का लिंक जो है यहाँ पे, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन है और एक क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, आप सिंपली साइन इन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं यहाँ देखिए माय वेबसाइट में ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब का चैनल का लिंक आ जाता है और ये वेरीफाइड हो जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सेव एंड कंटिन्यू, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक देखिए कंट्री आपका सिलेक्ट हो चुका है, मेरा कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है इंडिया, और टाइम जोन सिर्फ मुझे सिलेक्ट करना है, तो चलिए यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोलकाता है, मैं कोलकाता सिलेक्ट कर लेता हूँ टाइम जोन जो कि इंडिया का होता है। और अकाउंट टाइप में देखिए इंडिविजुअल, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हैं और कोई कंपनी के द्वारा नहीं है, जैसा कि कोई टेलीविजन नहीं है आपका, कोई बड़ा कंपनी नहीं है, ब्रांड नहीं है, तो इसलिए आप इंडिविजुअल ही रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पे वो नाम दीजिए सही नाम स्पेलिंग के साथ, इसमें दीजिए एमडी इकबाल तो खुद ब खुद आ चुका है, लेकिन आप वो नाम दीजिए जो आपके बैंक अकाउंट में हो या फिर अदर्स डॉक्यूमेंट्स में हो, जो आपको पेमेंट मिलने में दिक्कत ना करे। चलिए मैं अपना नाम दे देता हूँ सही वाला नाम, तो यहाँ पे एड्रेस है तो मैं एड्रेस भी दे लेता हूँ, और सिटी मेरा कोलकाता है, सिंपली कोलकाता देंगे यहाँ पे, और अपना एरिया का पिन कोड देंगे, स्टेट जैसा कि वेस्ट बंगाल होगा वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करेंगे, आपका जो स्टेट होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, आप मोबाइल नंबर दीजिए। और यहाँ पे देखिए एडसेंस ईमेल परफॉर्मेंस, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, आप चाहे तो यस यस कर सकते हैं, नो नो कर सकते हैं, इसका उतना कोई वैल्यू नहीं है, मैं सब पे नो कर देता हूँ क्योंकि ये नोटिफिकेशन भेजेंगे, मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। और सबमिट माई एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट माई एप्लीकेशन करते हैं एक नया पेज ओपन होता है, जो कि यहाँ पे यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, इस पे चेक लगाइए और एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ ऊपर एक मैसेज आया है मोनेटाइजेशन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एडसेंस एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड एंड इज बीइंग रिव्यू, यानी कि आपने जो यूट्यूब और एडसेंस से पार्टनरशिप ली है वो रिव्यू करेंगे, ताकि आप जो वीडियो आपने अपलोड किया है वो सही है, आपका चैनल कितना अच्छा है, क्या आप जेन्युइन तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं या गलत तरीके से कमाना चाहते हैं, वो रिव्यू करेंगे, तब जाके आपको कुछ घंटों में ये लोग आपका एडसेंस का अकाउंट वेरीफाई कर देंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ आगे का मैसेज है यू विल रिसीव एन ईमेल रिगार्डिंग द स्टेटस, आप एक ईमेल अपने ईमेल आईडी पर रिसीव करेंगे जब आपका एडसेंस का अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, क्रिएट स्टूडियो का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से वीडियो मैनेजर पे जाना है, वीडियो मैनेजर पे जाते ही हमारा तो ये वीडियो पैसे कमाने के लायक बन चुका है, लेकिन मैं फिर से आपको एक और वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ कि आपको पैसे कैसे कमाना है। अपलोड पे क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करता हूँ और ये वाला वीडियो मैं चूज कर लेता हूँ और अपलोड करता हूँ। वीडियो अपलोड हो रहा है, जो वीडियो का मेरा टाइटल है मोस्ट पॉपुलर ऑन यूट्यूब। दोस्तों तो मेरा ये वाला वीडियो भी कम्प्लीटली अपलोड हो चुका है, अब इसे यूट्यूब पे लाइव करने के लिए मुझे पब्लिश करना होगा, वरना ये यूट्यूब पर लोगों को नहीं दिखेगा। तो चलिए इसको पब्लिश कर देता हूँ, ये पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ जो गोल आइकॉन ऊपर बना हुआ है इस पे क्लिक करते हैं और क्रिएट स्टूडियो पे जाते हैं।
जैसे ही क्रिएट स्टूडियो पे क्लिक किया तो देखिए ये वो वीडियो जो मैंने अभी अपलोड किया और ये वीडियो जो मैंने उससे पहले अपलोड किया था। तो वीडियो मैनेजर पे क्लिक करते हैं ताकि फुल क्लियर तरीके से मुझे मेरा डैशबोर्ड दिख सके। अब एक बात आपको गौर करने वाली है कि यहाँ पे तो फनी वीडियो स्टार्ट नाउ वाला जो वीडियो है इस पे देखिए डॉलर का निशान ग्रीन है लेकिन इस पे ब्लैक आ रहा है जो मैंने अभी अपलोड किया वीडियो उस पर। इसका यह मतलब है कि यह मेरा वीडियो अभी पैसे कमाने के लायक नहीं हुआ है। तो इसको करना क्या होगा, आपको एडिट के ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ एडिट के ऑप्शन पे जाके यहाँ देखिए मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके यहाँ पे जो मोनेटाइज विथ एड्स का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके ऑन कर देना होगा और ऊपर यहाँ देख सकते हैं सेव चेंजेस, तो सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसको सेव कर देना होगा। अब करना क्या है, हमें फिर से यहाँ वीडियो मैनेजर पे एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही हम वीडियो मैनेजर पे यहाँ एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ग्रीन कलर का आ गया, यानी कि अब ये मेरा वीडियो पैसे कमाने के लायक ये भी हो चुका है। तो इस तरीके से जब आप जितनी बार वीडियो अपलोड करेंगे उतना बार एडिट में जाके मोनेटाइज करेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि अब पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो जी हाँ दोस्तों adsense.com पे आपको जाना होगा। तो उसके लिए गूगल सबसे पहले ओपन करना होगा। चलिए गूगल ओपन करते हैं और गूगल में टाइप करेंगे adsense। यहाँ पे देखिए एडसेंस का वेबसाइट आ चुका है, इस पे क्लिक करेंगे। ये पूरा लुक एडसेंस के वेबसाइट का है। यहाँ पे देखिए साइन अप नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है। इस नए पेज में आपका वही ईमेल आईडी आ जाएगा जो आपने अपने यूट्यूब के चैनल बनाने में यूज किया है। तो यहाँ सिंपली यस कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे यस करेंगे लॉगिन विथ करंट अकाउंट का ऑप्शन आएगा और क्रिएट और यूज अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा। तो आप लॉगिन विथ करंट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन विथ करंट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा अकाउंट नॉट एक्टिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट नॉट एक्टिव का ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इसमें जा ही नहीं पाएंगे अपने उस ईमेल आईडी से। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका अकाउंट अभी कुछ घंटे नहीं हुआ है एडसेंस का वेरीफाई होने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आप साइन इन करें और अपना सारा डिटेल इसमें दे डालें, जैसे कि बैंक डिटेल हुआ, आपका नाम हुआ वगैरह वगैरह। अब इस बात को आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि एडसेंस क्या है। तो एडसेंस एक एडवर्टाइजमेंट सर्विस है। यूट्यूब आपको एडवर्टाइज नहीं प्रोवाइड कर रहा है बल्कि एडसेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब को एड आपकी वीडियो पर, गूगल एडसेंस जो कि गूगल की एक सर्विस है। तो इसी में आपका बैंक डिटेल होगा और इसी के जरिए आपके चैनल पर जो है एड चलेगा और उसी के पैसे आपको मिलेंगे। तो गूगल एडसेंस को ज्यादा जानना है तो ये जो बॉक्स आया है क्वेश्चन मार्क्स बना हुआ इस पे आप क्लिक करके गूगल एडसेंस के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। वैसे एक और बात मैं बता दूं, गूगल एडसेंस एक बैंक अकाउंट के तौर पर काम करता है। YouTube आपके वीडियो के लिए काम करता है और Google AdSense आपको एड प्रोवाइड करता है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों Google की सर्विस है, YouTube और AdSense। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कोई अगर सवाल है तो ये मैंने सवालों के सारे बॉक्स बना रखे हैं, आप किसी पर भी क्लिक करके उसका जवाब जान सकते हैं। अगर किसी का आपको जवाब अभी तक नहीं मिला है तो आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।